हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी और साथ में पूरी। ये मैं सब्जी 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। मैंने इसमें 5 आलू लिए हैं, 3 टमाटर हैं, हरी मिर्च है, राई है, जीरा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पिसा हुआ और कसूरी मेथी और हींग। अब हम आलू छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और इन्हें अच्छे से धो लेंगे। अब हम कुकर के अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम राई डालेंगे। राई जब चटक जाएगी तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अब घी गरम हो गया है, हम इसमें राई डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा और राई अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर थोड़े से गल चुके हैं। अब हम इसमें 2 पिंच जितनी हींग डालेंगे और साथ में हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ी देर इसे पकने देंगे। अब टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को कम कर लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इन मसालों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। और गैस को तेज कर लें। अब मसाले इसमें अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 कटोरी जितना पानी डालेंगे। कुकर को बंद कर देंगे। इसे 4-5 विसल दिलवाएंगे। फिर गैस को बंद कर देंगे। अब जितनी देर में आलू तैयार होते हैं उतनी देर में हम पूरी का आटा गूंद लेते हैं। आटे में हम नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार, और 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि पूरी जो है वो ज़्यादा सूखी ना बने। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब आटा गूंदेंगे। आटे को ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा टाइट रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे गूंदना है।
आटा गूंथ चुका है और अब हम इसे थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि ये सूखे ना, इसे गूंथ के रख देंगे। तैयार हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे जब तक आलू देखते हैं। अब हम कुकर खोल के देखते हैं आलू कैसे बने हैं। आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसे कड़छी की सहायता से थोड़ा सा और दबा लेंगे और इसके अंदर गैस ऑन करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, और आम के अचार का मसाला डालेंगे। आम के अचार का मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारे आलू तैयार है। पेड़ी बना ली है, अब हम पूड़ी बेलेंगे। तेल हमने गैस पे रख लिया है, गरम हो रहा है। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें पूड़ी डालेंगे। ये देखिए कैसे फूल रही है पूरी। देखिए हमारी पूरी फूलकर तैयार है। अब हम दूसरी पूरी डालेंगे।